हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का टॉपिक चल रहा था रीमन इंटीग्रल, और रीमन इंटीग्रल में हम लोग ने लोअर एंड अपर डर्बो सम के ऊपर डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने पहले ही कहा था कि हम लोग यहाँ पर डर्बो इंटीग्रल पढ़ेंगे, और चूंकि वो इक्विवेलेंट होता है रीमन इंटीग्रल के, तो हम लोग वही इक्विवेलेंस थ्योरम से कह देंगे कि इफ़ एनी फंक्शन इज डर्बो इंटीग्रेबल देन इट विल बी ऑल्सो रीमन इंटीग्रेबल, है ना। तो वही हम लोग की थ्योरी चल रही थी, डर्बो लोअर सम एंड अपर सम के कॉन्सेप्ट हो गए थे। आज इस वीडियो में हमें देखने हैं डर्बो लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है, तो वो वीडियो आप देख के आ सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स आप डर्बो लोअर एंड अपर सम के जरूर क्लियर दिखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डर्बो इंटीग्रेबल ऑफ एनी फंक्शन ऑन एनी इंटरवल, एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोअर सम और अपर सम को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने दो ग्राफ बना रखे हैं, ताकि हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करें, बहुत ज़्यादा डीप ना जाना पड़े। तो देखिए, सिंपल चीज़ क्या है कि अपर सम या लोअर सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोई फंक्शन देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है, इट इज़ योर फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया उन्होंने, एक फंक्शन, ठीक है। ये भी दोनों देखिए ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, मतलब डिफरेंट लग सकते हैं, बट दोनों फंक्शन हमने सेम लिए हैं, दोनों फंक्शन एफ एक्स है। और आपको एक इंटरवल दे रखे हैं, इंटरवल क्या दे रखे हैं, एक्स जीरो से एक्स फाइव, ये आपका एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल होगा, एक्स जीरो टू एक्स फाइव, और इस इंटरवल पे आपका फंक्शन भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इतनी कंडीशंस गिवन है, है ना, कि आपका फंक्शन एफ एक्स है और ये उसका एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल है। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड होगी इस इंटरवल की, अगर हम लोअर या अपर सम निकालना चाहते हैं, तो इस इंटरवल की किसी एक पार्टीशन की। जैसे यहां पर एक पार्टीशन दे रखे हैं हमारे इस इंटरवल का, एक्स जीरो एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स फोर एक्स फाइव, सेम वहां भी। तो देखिए, मतलब कोई एक पार्टीशन की रिक्वायर्ड होगी जो यहां पर गिवन है, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, है ना। अब इस देखिए, हमारा जो लोअर सम या अपर सम निकलता है, हम कहते हैं किसी भी फंक्शन का किसी भी इंटरवल में उसके किसी पार्टीशन के लिए निकलता है। मतलब अगर हम इसी इंटरवल के पार्टीशंस चेंज करते जाएंगे, तो हमारा लोअर सम और अपर सम दोनों वेरी भी करते जाएंगे, ठीक है। तो एक किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, तो लोअर सम का कॉन्सेप्ट होता था कि जितने भी इस पार्टीशन के थ्रू छोटे छोटे सब इंटरवल्स बने हैं, जैसे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे सब इंटरवल्स, मतलब एक्स जीरो एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स फोर एक्स फाइव, इन सभी सब इंटरवल्स में बारी बारी से, मतलब एक के बाद एक 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 करके वन बाय वन, सबसे पहले पहले सब इंटरवल में जो आपकी फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू हो, जैसे हम लोग को ये सबसे मिनिमम वैल्यू मिली, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इस इंटरवल की विड्थ से, विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू, और विड्थ होगी आपके इंटरवल की विड्थ। वैसे ही सेकेंड इंटरवल में करना है, थर्ड सब इंटरवल में करना है, फोर्थ सब इंटरवल में और फिफ्थ सब इंटरवल में करना है। और ये जो सारी वैल्यूज मिलेगी, इन्हीं सबको सम कर देंगे, तो हमारा लोअर सम आ जाएगा फॉर द फंक्शन एफ एक्स ऑन दिस इंटरवल फॉर दिस पार्टीशन, है ना। पार्टीशन वेरी करने से लोअर सम भी वेरी हो जाएगा, जिसे हम लोग ने ग्राफ में शो किया है कि वो ये एरिया होगा, ये मतलब जो एरिया सेडेड किया गया है, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, तो यही आपका इस पार्टीशन के लिए आपके फंक्शन का इस इंटरवल में लोअर सम होगा। अपर सम का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट होता था। क्या होता था कि जैसे पार्टीशन तक बात वही चलेगी, फिर हर एक सब इंटरवल में, जो ये इसके छोटे छोटे सब इंटरवल्स हैं, इन सभी सब इंटरवल्स में इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। मतलब सबसे पहले सब सब इंटरवल, पहले सब इंटरवल में देखिए जो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल लीजिए, उतनी लेंथ का रेक्टेंगल और इस सब इंटरवल की विड्थ का रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, सेकंड के लिए कीजिए, थर्ड के लिए, और इन सभी को अगर आप सम कर देंगे तो आपको अपर सम मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। लोअर सम का होता था नोटेशन दैट लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ फॉर पार्टीशन पी वन एंड अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ऑन पार्टीशन पी वन, ठीक है, ये वैल्यूज होती थी, ओके। अच्छा, ये तो लोअर सम और अपर सम की बात हो गई, जो कि हम लोग ने यहां पर देखा है, ठीक है। बेसिकली हमें इंटीग्रल तक जाना है, तो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें इस फंक्शन को इस वाले इंटरवल पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इस रीजन का एरिया चाहिए। अच्छा, अगर आप लोअर सम में देख रहे हो, तो इस रीजन से थोड़ा कम एरिया मिल रहा है, मतलब हमें ये इसके जो ब्लू वाली लाइन है, ये आपकी फंक्शन है,
इसका x एक्सिस पे बाउंडेड या डोमेन एक्सिस पे बाउंडेड रीजन इस इंटरवल में चाहिए, तो वो देखिए थोड़ा सा कम है, ये देखिए ये एरिया छूट गए हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा इससे कम है, और अपर वाला देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा एरियाज हमको मिले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि अपर सम का एरिया थोड़ा ज्यादा है और लोअर सम का एक थोड़ा एरिया कम हो रहा है। लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि जैसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपर सम हो सकते हैं और लोअर सम हो सकते हैं, ये पार्टीशन की किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। थोड़ा बहुत जिन चीजों पे डिपेंड करते हैं उन्हीं पे इंडिकेट करके हम आपको थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का एक पार्टीशन है, ठीक है, P1 हमारा क्या है, एक पार्टीशन। अब इस पार्टीशन पे हमारा ये अपर सम आया है, ये लोअर सम आया है। अब अगर हम इस पार्टीशंस के रिफाइनमेंट करते जाएं, मतलब इन पार्टीशंस को हम इस लैंग्वेज में कहते हैं कि शार्प करते जाएं, शार्प करने का मतलब है कि जो सब इंटरवल्स हैं छोटे छोटे इनको भी और पार्टीसेट करते जाएं, इनके भी और पार्टीशंस करते जाएं, तो हमारा जो लोअर सम होता है कौन होता है, लोअर सम, वो इंक्रीज करता है, और जो अपर सम होगा हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम लोग वैसी ही थ्योरी कर रहे हैं, बाद में जनरल थ्योरी भी बात करेंगे। और जो अपर सम होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। पहली चीज क्या थी कि हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे अपर सम का ज्यादा है, लोअर सम का कम है। अब अगर हम इन सब इंटरवल्स के या फिर इस जो पार्टीशन है इसके रिफाइनमेंट करें तो जो हमें एरिया होगा लोअर सम का वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा और अपर सम का जो एरिया होगा वो डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। वो क्या करता हुआ मिलेगा, डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। ये हम लोग की स्टोरी चल रही है। तो देखिए लोअर सम का एरिया इंक्रीज कर रहा है और अपर सम का एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो अभी देखिए लोअर सम का एरिया इंक्रीज करते करते किसी एक वैल्यू तक इंक्रीज करेगा और अपर सम का एरिया भी जो है वो भी इंक्रीज करते सॉरी डिक्रीज करते करते किसी एक वैल्यू तक डिक्रीज करेगा। मतलब आपके अपर सम की कोई एक सबसे लोअर वैल्यू होगी और लोअर सम की एक कोई सबसे अपर वैल्यू होगी, मतलब लोअर सम की सबसे हाईएस्ट कोई वैल्यू होगी और अपर सम की कोई सबसे लोअर वैल्यू होगी। फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में, ठीक है, पहले हम लोग ने उसे रिफाइनमेंट के थ्रू डिफाइन किया, अब जनरल लैंग्वेज में लोअर सम किसी पार्टीशन के लिए डिफाइन है, अपर सम किसी पार्टीशन के लिए डिफाइन है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन के लिए अपर लोअर सम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और अपर सम की भी डिफरेंट पार्टीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। किसी पार्टीशन के लिए हमारा लोअर सम सबसे मैक्सिमम होगा, किसी पार्टीशन के लिए, मतलब इफ देयर इज दिस गिवन इंटरवल तो इसके बहुत से इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशंस आर पॉसिबल, तो हम मान लेते हैं कि इसके कुछ इतने पार्टीशंस पॉसिबल हैं। अब इन पार्टीशंस में से किसी पार्टीशन के लिए, किसी पार्टीशन के लिए आपका जो लोअर सम होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का सबसे मैक्सिमम होगा, और किसी पार्टीशन के लिए जो आपका अपर सम है वो सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। इन वैल्यूज को आप निकाल लीजिए, मतलब मैक्सिमम ऑफ लोअर सम एंड मिनिमम ऑफ अपर सम, ठीक है, मिनिमम ऑफ अपर सम आपने निकाल लिया। अब आप समझिएगा कि कहानी क्या है। अब आपको मैक्सिमम ऑफ लोअर सम मिल गया और मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अपर सम मिल गया, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम ऑफ आपका लोअर सम है, जो आपका मैक्सिमम ऑफ लोअर सम है, इसी को हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल या लोअर डर्बो इंटीग्रल ऑफ अवर फंक्शन, ऐसा नोटेशन होगा। कैसा होगा, इंटीग्रेटिंग साइन विद दिस बार साइन लोअर साइड f dot dx, इसका मतलब है it is a lower integral of our function f over this interval x0, x5। ये हमें मिला कैसे है, it is the maximum value of lower sum, the all the possible lower sums of our function on this interval। और upper sum क्या चीज है, upper sum जो ये minimum upper sum की value मिली है, it is the upper sum value। ओके ये भी कैसे मिला है, बिल्कुल इक्विवेलेंट कि जितने भी अपर सम इस इंटरवल पे हमारे फंक्शंस के पॉसिबल थे उस में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वही हमारी इस फंक्शन की सबसे अपर सम है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई लोअर इंटीग्रल की और अपर इंटीग्रल की। लोअर इंटीग्रल भी हमारे लोअर सम का ही एक एलिमेंट है, बट इट इज द मैक्सिमम, इट इज द सुप्रीमम। और ये जो आपका अपर सम की वैल्यू है ये भी आपके जो सॉरी जो ये अपर इंटीग्रल की वैल्यू है ये भी आपके अपर सम की ही एक वैल्यू है, बट इट इज अ मैक्सिमम ऑफ दीज, ठीक है, सुप्रीमम
नहीं अप्रोप्रिएट वर्ड है, इज द मैक्सिमम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों आपको लोअर इंटीग्रल मिल गए, अपर इंटीग्रल मिल गए। अभी देखिए क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो किसी भी पार्टीशन के लिए एक्स वाई जेड कोई भी पार्टीशन ले लीजिए, उसके लिए जो आपका लोअर सम होता है फंक्शन का, वो हमेशा और हमेशा अपर सम से या तो छोटा होगा और या तो क्या होगा, उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी आप अपर सम का एक सेट बना है कि जितने भी अपर सम्स हो सकते हैं उनका सेट, एक लोअर सम का, इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपका अपर इंटीग्रल भी अपर सम का ही एक एलिमेंट है और लोअर इंटीग्रल भी लोअर सम का एक वैल्यू है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, लोअर इंटीग्रल हमेशा अपर सम से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। अब कुछ फंक्शंस के लिए लोअर इंटीग्रल हमेशा अपर इंटीग्रल से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे फंक्शंस हम कहते हैं कि दीज आर नॉट इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल, जिस इंटरवल के लिए वो ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी फंक्शन का किसी इंटरवल पे लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो गया, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो गया, मतलब दीज बोथ आर विल बी इक्वल, अपर लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, ऐसा भी नोटेशन आपको मिल सकता है। अगर जिस फंक्शन का जिस इंटरवल पे हो गया, हम कहेंगे कि आवर फंक्शन एफ इज डर्बो इंटीग्रेबल, डर्बो इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल एक्स जीरो कॉमा एक्स फाइव। ठीक है, यहां पहले लिख दिया था कि f x0, x5 पे इंटीग्रेबल है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रल की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। ये बात समझ आई? अभी देखिए बहुत सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक थ्योरम होती है इक्विवेलेंस थ्योरम, विच इज इंडिकेटिंग दैट इफ एनी फंक्शन f, इफ या फिर एनी फंक्शन f इज डर्बो इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल x0, x1, n, देन या फिर इफ एंड ओनली इफ इट इज रीमन इंटीग्रल ऑन द सेम इंटरवल। मतलब कहने की बात यह है कि अगर एफ इस इंटरवल पे डर्बो इंटीग्रेबल है तो ये रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एफ इज, मतलब यही कंडीशन है रीमन इंटीग्रल की भी। ठीक है, तो हम लोग अब वर्ड रीमन इंटीग्रेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में रीमन इंटीग्रल ही करके दिया होता है। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है कि अगर लोअर इंटीग्रल जो है और अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, इन इक्वल हो जाए, मतलब देखिए अपर सम की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी लोअर सम की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब लोअर सम का जिस साइड पे अप्रोच है, क्योंकि लोअर सम हमने कहा था ना इंक्रीज करते करते जा रहा है, और अपर सम की जिस डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी जिस और वैल्यू है और इसकी जिस और अप्रोच है, अगर दोनों अप्रोचेस सेम साइड पे आ जाएं, सेम पॉइंट पे आ जाएं, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन डर्बो इंटीग्रेबल होगा उस इंटरवल पे, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ठीक है, और अगर डर्बो इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो यही जो लोअर सम आया है, यही जो अपर सम आया है, यही आपके फंक्शन का इस इंटरवल पे इंटीग्रेशन होगा या इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल होगा, जिसे आप आई से ऐसे या फिर ऐसे नोट करते हुए भी आ रहे हो, इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे नोट किया होगा, ऐसा ऐसा जैसा भी आपने क्लासेस में नोट किया होगा। सो बेसिकली ये आपके डर्बो इंटीग्रेबल की इंटीग्रल की कंडीशंस हैं, और भी कंडीशंस हैं, कुछ लोग बुक में सभी बुक्स में मिलेगा कि इफ एल पी एन माइनस एल एफ पी एम इज लेस देन आर इक्वल टू एप्साइलन फॉर पॉसिबल एम एन एंड एप्साइलन, मतलब ऐसे आपको लिखा होगा, मतलब इनके ये कहने का मतलब है कि जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का डिफरेंस है वो अगर जीरो की ओर अप्रोच करे, अगर वो किस ओर अप्रोच करे, जीरो की ओर अप्रोच करे, तो मतलब आपका फंक्शन वहां पर इंटीग्रेबल है। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जो आपके जैसे आपको रीमन थ्योरी में ऐसा मिला होगा कि आपको वहां पर टैग्ड पार्टीशंस लेते हैं पहली चीज, तो मतलब यहां पर ये इन्फीमम और सुप्रीमम वाला केस नहीं चलता, वहां पर कोई भी टैग्ड पार्टीशंस लेके चलते हैं, और उन टैग पार्टीशंस में जैसे जैसे हम पार्टीशंस की नॉर्म को छोटा करते जाएं, तो हमारा जो रीमन सम होता है वहां पर लोअर और अपर सम का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है,
जैसे टैग यहाँ पर इन्फीमम सुप्रीमम की वजह से अपर और लोअर मिल रहा है, वहां पर टैग होते हैं तो वहां पर टैग की वजह से एक ही रिमन सम मिलता है, और अगर वो जीरो की सॉरी अगर वो किसी फाइनाइट वैल्यू की ओर अप्रोच करता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि इट इज रिमन इंटीग्रेबल। बट ये हमें लगता है कि ज्यादा इजी थ्योरी है समझने के लिए और ज्यादा इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपेयर रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम लोग चेक किया करेंगे कि कोई भी फंक्शन, देखिए हमको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको कंफ्यूज करेंगे। कहना बहुत आसान है कि मैक्सिमम लोअर सम की जो वैल्यू होगी, मिनिमम अपर सम की जो वैल्यू होगी किसी पार्टीशंस के लिए, आपका माइंड तुरंत कंफ्यूज हो गया, भाई इतने सारे पार्टीशंस हैं, हम हर पार्टीशंस को नहीं वो कर सकते, मतलब नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे पार्टीशंस ही आर्बिट्रेरी पार्टीशंस लिया करेंगे जिसमें हम डिसाइड कर सकें कि मतलब कहां पर हमारा लोअर सम होगा, कहां पर अपर सम होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आइए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि एज एन एग्जाम्पल रहे, ठीक है। आप कॉन्स्टेंट फंक्शन वाला जो है वो अपने मन से कर लीजिएगा, एक्स वाला हम लोग कर लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाला समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी हमारे हिसाब से अपर एंड लोअर इंटीग्रल की और डर्बो इंटीग्रल की समझ आ गई होगी, और वही थ्योरी है आपकी रीमन इंटीग्रल की। हाँ, कोई भी फंक्शन अगर एफ जो है रीमन इंटीग्रल है तो उसको ऐसे भी थ्योरीज में लिखा होगा, थ्योरम वगैरह भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि एफ इज रीमन इंटीग्रेबल इक्विवेलेंट टू द डर्बो इंटीग्रल ऑन दिस इंटरवल ए कॉमा बी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में समझते हैं कि कैसे हम लोग आर्बिट्रेरी पार्टीशंस के थ्रू देख लिया करेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। देखिए हमको एग्जांपल लेना है कि फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन इंटरवल 0, 1, सारी चीजें बिल्कुल इजी ली गई हैं, ठीक है। अब इसको हमें दिखाना है कि ये चेक करना है कि इट इज डर्बो इंटीग्रेबल या रीमन इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल और नॉट। तो देखिए सबसे पहले हमें उसके लिए लोअर सम अपर सम निकालने होंगे, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी पार्टीशन। हम लोग एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन लेके चलेंगे विच इज डिपेंड ऑन एन। कैसा पार्टीशन है देखिए, जैसे 0, 1 है तो इसके ऐसे पार्टीशन बना लिए, 1/n, 2/n, 3/n, ऐसे ऐसे करते करते बीच में कहीं पर होगा k/n, बीच में कहीं पर होगा n-1/n, और नेक्स्ट आ जाएगा n/n, मतलब कि 1, ठीक है। सिंपल चीज है कि मतलब n को आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपके पार्टीशंस चेंज होंगे, और n जितना आप इंक्रीज करते जाओगे, n इज फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, n को आप जितना इंक्रीज करते जाओगे 1, 2, 3 में, उतना ही आपका सार पार्टीशन बनेगा, मतलब ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन इज अ रिफाइनमेंट ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ एन। जैसे आपको फर्स्ट पार्टीशन एन इज इक्वल टू 1 के लिए पार्टीशन रखेंगे तो पहला एलिमेंट तो कांस्टेंट है 0, फिर एन की जगह पे 1 रख दीजिए, 1, जैसे ही 1 आ जाए आपका पार्टीशन खत्म। P2 एन की वैल्यू 2 लेनी है, तो एन की वैल्यू 2 लेनी है तो 0, 1/n, तो 0 तो कांस्टेंट है, 1/2 और 2/2 मतलब 1, जैसे ही 1 आ जाए पार्टीशन खत्म। 3 के लिए 0, 1/3, 2/3, 1, पार्टीशन खत्म, ठीक है। तो इस तरीके के हमने देखिए ये एक आर्बिट्रेरी पार्टीशंस लिया जिससे हम लोग बहुत से पार्टीशंस को जनरेट कर सकते हैं। अब हमें इसका लोअर सम और अपर सम इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो लोअर सम कैसे इवेल्युएट करेंगे, लोअर सम इवेल्युएट करने का क्या तरीका है, फॉर दिस आर्बिट्रेरी पार्टीशन लोअर सम ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो मतलब आप जितने भी सब इंटरवल्स बने हैं इसके सब इंटरवल्स कैसे बने हैं, फर्स्ट सब इंटरवल है 0, 1/n, सेकंड सब इंटरवल है 1/n, 2/n, इसी तरह करते करते कोई kth लेना है तो क्या बन जाएगा, k-1/n, k/n, फर्स्ट में 1/n 0, 2/n 1, है ना, तो ये बन जाएगा आपका कोई भी kth सब इंटरवल, ठीक है। अब इसके लिए हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए सम निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहला सब इंटरवल लीजिए, ये लिया, इसकी लेंथ ले लीजिए 1-n-0, और इस पे जो फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू हो, हमारा फंक्शन x जो है इस इंटरवल पे हमें पता है कि एक इंक्रीजिंग काइंड ऑफ द फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं, तो अगर ये इस पे इंक्रीजिंग है तो मतलब इसके लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी 0+, सेकेंड इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट कौन है 1/n, और इंटरवल की लेंथ क्या है 2/n-1/n, प्लस थर्ड वाला जो होगा उसकी एक्सट्रीम पॉइंट ये होगी और उसकी लेंथ होगी, तो इस तरह करते करते आपको
करते करते तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और इसी तरह बीच में एक के एथ इंटरवल होगा, उसकी एक्सट्रीम पॉइंट होगी लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट ये, और उसकी लेंथ आएगी ये, और ऐसे ही करते करते आपको वन तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये आपका लोअर सम बनेगा। इसको जरा सिग्मा के टर्म में लिख लीजिए। तो सिग्मा के टर्म में रखने के लिए हमें एक वेरिएबल लाना पड़ेगा, तो हम के लेके आते हैं कि के का जो वेरिएशन हो रहा है, के का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है। तो के मतलब कोई kth सब इंटरवल है, तो सब इंटरवल फर्स्ट सेकंड थर्ड से करते हुए कहां तक जा रहे हैं, nth सब इंटरवल तक। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से करते करते कहां तक जा रहे हैं, nth तक। और nth तक कहां, देखिए फर्स्ट सब इंटरवल ये बना, सेकंड ये, तो जो इधर साइड होता है वही इंटरवल का नंबर होता है। तो लास्ट इंटरवल क्या बनेगा, n अपॉन n, तो मतलब लास्ट वाला आपका सब इंटरवल कौन सा है, nth सब इंटरवल, ठीक है। तो k इज इक्वल टू फर्स्ट सब इंटरवल टू nth सब इंटरवल। ये होते कैसे हैं, तो क्या होता है कि kth सब इंटरवल की सबसे इनफिमम वैल्यू ली जाती है, जो कि क्या आती है, k माइनस वन अपॉन n, और उसको kth सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये इनफिमम निकल रहा है, ये k इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, k माइनस वन अपॉन एन, अंदर ले लीजिए आप एलसीएम तो आ जाएगा n, और ऊपर आ जाएगा k माइनस k प्लस वन, ठीक है, k से k क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा, अब k की वैल्यू आप याद रखिएगा, वेरिंग फॉर्म k माइनस वन, k से k कैंसल, वन अपॉन एन स्क्वायर, k वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, यहां तक आएगा समझ में। अब देखिए सिग्मा को अंदर कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, के माइनस सिग्मा ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, एन जो है वो इंडिपेंडेंट है यहां पर। अभी आप इसको देखेंगे तो सिग्मा ऑफ के का क्या मतलब होगा, तो देखिए सिग्मा ऑफ के क्या होता है कि जैसे आपको सिग्मा ऑफ के का मतलब क्या है, के इज इक्वल टू वन टू थ्री से करते करते कहां तक जाएगा, एन तक, ठीक है, के की वैल्यू कहां से कहां तक जानी है, सिग्मा इज इक्वल टू वन टू एन तक। तो इस सब का सम क्या आ जाएगा, वन टू थ्री, एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है, एन एन प्लस वन बाई टू, एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू, और माइनस सिग्मा ऑफ वन, वन का सिग्मा क्या होगा, एन, ठीक है, क्योंकि लिमिट k इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, तो मतलब वन को आपको एन टाइम ऐड कर देना है, बात आपको समझ आई होगी, वन इज इक्वल टू k, ये सब आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हो, k टू द पावर जीरो। अब आप इसको अगर k को वन से एन तक वेरी करोगे तो वन वन की पावर जीरो प्लस वन टू टू द पावर जीरो, तो वन को आपको एन टाइम्स ऐड कर देना है, और अपॉन में एन स्क्वायर। सो आपका जो लोअर सम आया वो क्या आया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, लोअर सम, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी लोअर सम आया है, इसमें आप n की वैल्यू को चेंज करेंगे, n की वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे आपको उतना मैक्सिमम वाला लोअर सम मिलेगा, क्योंकि हमने बात की थी, देखिए जितना आप, ये देखिए ये पहला सब इंटरवल है, n की वैल्यू 2 की, ये इसका एक रिफाइनमेंट, ये इसका एक रिफाइनमेंट, तो रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट इसमें क्या होता है कि रिफाइनमेंट लोअर इंटीग्रल को इंक्रीज कर देता है, तो एन की जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी लोअर सम उतना ही मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम ऑफ अगर आपको लोअर सम यहां पर लेना है तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा आई थिंक वन बाई टू, और ये टू भी यहां पर था, सॉरी ये टू भी यहां पर था, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एन स्क्वायर माइनस का एन अपॉन टू एन स्क्वायर, मतलब इस पे लिमिट ही लगा देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मतलब n की जितनी ग्रेटर वैल्यू उतना इसका मैक्सिमम, तो ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो इस पे तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 माइनस 0 अपॉन 2, तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। तो ये जो आ गया लोअर इंटीग्रल आपका आ गया, इधर लिख देते हैं, लोअर इंटीग्रल आपका आ गया 0 टू 1 x डॉट डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। अब अपर इंटीग्रल की जरा मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा इसको जल्दी करेंगे, तो अपर की आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या आ रही है, वो आएगी, देखिए सीधे ये वाला स्टेप लिखते हैं, सिग्मा k
kth सब इंटरवल है हमारा, तो k इज इक्वल टू 1 टू n वेरी करेगा। देखिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी राइट एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगी, राइट एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगी, तो kth सब इंटरवल का राइट एक्सट्रीम पॉइंट कौन होगा, k बाई n। तो x की वैल्यू यहां पर k बाई n रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की k बाई n। देखिए ये चीज कंफ्यूज हो सकती है कि हमने फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू x, ये जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू या फिर जो ये वैल्यू मिली थी ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। कैसे मिली थी, तो हमें kth सब इंटरवल पे अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इसके लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे मिलनी थी, तो इसको जब x की जगह पे रखा तो k माइनस, यहीं पे फंक्शन अगर x स्क्वायर होता तो इस जगह पे क्या था, k माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। तो और उसके बाद अपने kth सब इंटरवल की क्या रख दीजिए आप, लेंथ रख दीजिए, ये हो गया ठीक है। इसको और आगे बढ़ाइए, k इज इक्वल टू 1 2, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे इसको आगे करिए तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन भी आएगा k बाई n, और अंदर आ जाएगा क्या आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अंदर बन जाएगा 1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा सिग्मा k अपॉन n स्क्वायर ठीक है, सिग्मा k अपॉन n स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर n फिक्स है तो n के सिग्मा k की वैल्यू कहाँ लिखे थे अभी हम लोग, n n बाई n प्लस 1 बाई 2 ठीक है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 n स्क्वायर, ये क्या आ गया अपर सम की वैल्यू किसी भी nth सब इंटरवल के, सॉरी किसी भी, हाँ किसी भी n डिवीजन में बटे हुए पार्टीशन के लिए ठीक है। पसंद इसकी जरा हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू भी कैसे मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमने कहा था अपर सम जैसे जैसे रिफाइनमेंट होता है वैसे वैसे डिक्रीज करता जाता है, तो इसमें देखिए इसमें जितना एन इंक्रीज होगा पार्टीशंस का रिफाइनमेंट हो रहा है, तो मतलब जितना एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी उतना ही अपर सम बिलो जाएगा। तो अब एन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम ले लेंगे, मतलब इसमें भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 n स्क्वायर, सेम टाइप का केस है, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट लगा देंगे, इस पे लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट टर्म है, प्लस 1 अपॉन n पे लिमिट 0 और अपॉन 2, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2, तो मतलब हमारे अपर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1 बाई 2 ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, 0 टू 1 x इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 2, तो देखिए हमारे पास अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 2, लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 2, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मतलब हमारा दिस फंक्शन इज डर्बो इंटीग्रेबल या रीमन इंटीग्रेबल, जो आपकी बुक में लिखा होगा कि सो दैट दिस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, सो अवर फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन दिस फंक्शन, वाई बिकॉज बोथ अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आई है ठीक है। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन व्हाट विल बी द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अवर फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, तो इस इंटरवल पे आपके फंक्शन की वो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 बाई 2, मतलब इसका इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे क्या होगा x का 1 बाई 2 ठीक है, इस ये डेफिनेट इंटीग्रल इसका होगा 1 बाई 2, आप जैसे इंटीग्रेशन करते हो पीछे से करते हो और उस तरह भी करके देखेंगे तो आपको 1 बाई 2 आएगा ठीक है। अभी ये तो एग्जांपल के लिए हम लोग ने छोटा सा एग्जांपल वो इजी सा एग्जांपल लिया था, आगे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेंगे जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।